अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भगवान हरिहर नाथ की इस धरती पर मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और भगवान हरिहर नाथ को कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेश की धरती ने भगवान राम को दिया तो शासन की सबसे अच्छी पद्धति दुनिया के अंदर राम राज्य कहलाई। राम राज्य का मतलब एक ऐसी शासन पद्धति जहां पर व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा देख करके नहीं, बल्कि शासन की योजनाएं गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव पहुंच सके। और यही तो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यही कार्य मोदी जी की प्रेरणा से झारखंड के अंदर श्री रघुवर दास जी ने किया। और इसलिए भाइयों बहनों, जैसे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे ही रघुवर दास जी को भी फिर से मुख्यमंत्री बनाना है तो बगोदर की धरती से श्री नागेंद्र महतो को भारी मतों से विजयी बनाना है। इनकी निष्ठा इस देश के नौजवानों के प्रति भी नहीं है, इनकी निष्ठा स्वयं के लिए है। ये स्वार्थ के लिए जीते हैं और इनके द्वारा कभी भी जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने सत्ता का उपयोग गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कभी नहीं किया। इस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया। इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग निहित स्वार्थों के लिए किया। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने के लिए किया। भाइयों बहनों, जब कोई नक्सली घटना घटित होती है, कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है, इस समाज के पुण्य क्षति होती है। लेकिन कांग्रेस की, आरजेडी की, सीपीआईएमएल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इनकी नीतियां इस प्रकार की विध्वंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने की रही है। कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से, विकास कार्यों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है। समान रूप से हमने जाति मत मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किसी को नहीं किया। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार देता है। लेकिन क्या यह अधिकार पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मिले हैं क्या? और जब एनआरसी बिल को, और यही नहीं, नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद में पास कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं, तो भाइयों बहनों, ये सब कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएमएल, ये सभी लोग विरोध करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय था, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सबको मार मार करके भगाया गया, इनकी संपत्तियों को कब्जा किया गया,
बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। वे दर दर की ठोकरें खा रही थी, वे शरणार्थी के रूप में भारत में आए और भारत ने कल उन्हें अपने देश के अंदर, भारत की संसद ने उन्हें नागरिकता देने का कार्य किया है। आजाद भारत का ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए ना, आप सहमत हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में कार्य किया, मानवता के हित में कार्य किया, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी सीपीआईएमएल इसका विरोध कर रही है। यानी गरीबों को, प्रताड़ित लोगों को देश के अंदर शरण देना जो भारत की नीति रही है, उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठिए के रूप में आपके हकों पर डकैती डालने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के समर्थन में कांग्रेस और सीपीआईएमएल खड़ी है। ये कांग्रेस और क्या इस देश के अंदर पाकिस्तान समर्थकों को हमें स्वीकार करना है क्या? तो फिर क्या कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआईएमएल को वोट मिलना चाहिए क्या? आपने देखा होगा मोदी जी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की धमाके के साथ किया। पहले इस देश के अंदर आतंकवाद का प्रतीक कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज अगर बगोदर क्षेत्र के लोग भी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीदना चाहेंगे, बेझिझक आप जाइए और कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, जम्मू के अंदर, मां वैष्णो देवी के धाम में और बाबा अमरनाथ के धाम में भी अपनी जमीन और अपना मकान खरीदने का कार्य आप कर सकते हैं। अधिकार किसी ने आपको दिया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। जो लोग कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, अरे एक मच्छर भी नहीं मरा, लेकिन धारा 370 समाप्त तो हो गई। इस श्रेय किसको? मोदी जी को और अमित शाह जी को। कितना बड़ा कार्य किया। और भाइयों बहनों, इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि किसी को दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में जब भारत के संविधान में धारा 370 को जबरन डालने का कार्य किया गया था, तब अपना विरोध व्यक्त किया था और उन्होंने तब भी कह दिया था ये धारा 370 आतंकवाद की जड़ बनेगी, कश्मीर के विकास को बाधित कर देगी। और वही हुआ। लेकिन आज धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक झटके में समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, दूसरा कार्य आपने देखा होगा, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होती है 500 वर्षों के अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी, सीपीआईएमएल नहीं चाहता था, आरजेडी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का शांत हो। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत शीघ्र अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं झारखंड वासियों को भी आमंत्रित करूंगा उसमें। हर परिवार से एक एक शिला और 11-11 रुपया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि राम का काज तो समाज के सहयोग से ही चलता है।